आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अयोध्या में अधिग्रहित परिसर में आतंकी हमले के मामले में विशेष अदालत ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। विशेष अदालत ने मंगलवार को सेंट्रल जेल नैनी में आदेश दिया। मामले की सुनवाई 9 जून को पूरी कर फैसला सुनाने के लिए 18 जून की तारीख तय की गई थी। कोर्ट ने चारों दोषियों पर 2,40,000 का जुर्माना भी लगाया है। रिपोर्ट देखिए। अब राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले 4 दोषियों को 14 साल बाद उम्र कैद की सजा मिली है। नैनी जेल स्थित विशेष अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में एक आरोपी को बरी कर दिया। विशेष कोर्ट ने सुनवाई के बाद मोहम्मद अजीज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, जबकि आसिफ इकबाल, मोहम्मद नसीम, शकील अहमद और डॉक्टर इरफान को उम्र कैद की सजा सुनाई। चारों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। 3 से 7 में, मैं बता रहा हूँ, 3 से 7 में 7 साल की कारावास, कठोर कारावास प्रत्येक को, और प्रत्येक को 10,000 रुपए जुर्माना। इस प्रकार सभी चारों अभियुक्तों को 2,40,000 रुपया जुर्माना से भी दंडित किया गया। पता नहीं एक थोड़े से स्वार्थ के लिए देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं, आतंकवादियों को पनाह देने लगते हैं। निश्चित रूप से यह घिनौना है और न्यायपालिका का यह जो कदम है ये एक चेतावनी भी है कि जो भी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। यदि उसका दोष सिद्ध हुआ तो उसको सजा जरूर मिलेगी। 5 जुलाई 2005 को सुबह करीब 9:15 बजे अयोध्या में अधिग्रहित परिसर में असलहों से लैस आतंकी घुस गए थे। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 5 आतंकी मारे गए थे। 2 निर्दोष लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आतंकवादियों ने अत्याधुनिक हथियारों, रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड आदि से आत्मघाती हमला किया था। सुरक्षा बलों की सतर्कता के कारण आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके थे और राम जन्मभूमि स्थल पर पहुंचने से पहले ही सभी मार गिराए गए। इसके बाद मुठभेड़ में मारे गए आतंकी के पास से मोबाइल मिला था, जिसकी कॉल डिटेल से आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों के 5 साथी गिरफ्तार किए गए। जांच में आतंकियों को असलहों की सप्लाई और मदद करने में आसिफ इकबाल, मोहम्मद नसीम, मोहम्मद अजीज, शकील अहमद और डॉक्टर इरफान का नाम सामने आया था। सभी को गिरफ्तार कर पहले अयोध्या जेल में रखा गया, जिसके बाद 2006 में हाई कोर्ट के आदेश पर इन सभी को प्रयागराज की नैनी स्थित केंद्रीय कारागार में दाखिल कर दिया गया। जांच के दौरान पता चला था कि आतंकियों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए रामलला मंदिर को ध्वस्त करने के लिए हमला किया था। आतंकियों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया था और वो मंदिर के काफी नजदीक भी पहुंच गए थे। इस मामले में जिला न्यायालय फैजाबाद ने 5 अभियुक्तों के खिलाफ 19 अक्टूबर 2006 को आरोप तय किए थे। मुकदमे की पत्रावली 8 दिसंबर 2006 को हाई कोर्ट के आदेश से सुनवाई के लिए जिला न्यायालय इलाहाबाद अंतरित होकर आई थी। सुरक्षा कारणों से मुकदमे की सुनवाई नैनी जेल परिसर में ही शुरू की गई और इस पूरे मुकदमे की कार्रवाई यहीं पूरी की गई। इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से 57 गवाहों को पेश किया गया था, जबकि कोर्ट की ओर से भी 6 गवाह तलब कर उनकी गवाही दर्ज की गई थी। कुल 63 गवाह इस मामले में पेश किए गए। इससे पूर्व बीते वर्ष में 30 नवंबर को फैसला सुनाने की संभावना बनी थी, लेकिन आखिरी क्षणों में थाना राम जन्मभूमि के पूर्व SO दुलारे लाल अरुण, फर्द लेखक अजय तिवारी के साथ 2 और GD लेखक ईश्वर दास को फिर से गवाही के लिए बुलाया गया था और इसी वजह से तब मुकदमे का फैसला नहीं आ सका था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो अयोध्या में अधिग्रहित परिसर में आतंकी हमले के मामले में विशेष अदालत ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। बताया जा रहा है कि सबूतों के अभाव के कारण इस एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता है, विजय वर्मा जी हमारे साथ है, पूर्व जज है, अतुल चंद्रा जी हमारे साथ है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। सबसे पहला सवाल मेरा हरीश श्रीवास्तव जी आपसे ही है। अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो भगवान श्री राम की याद आती है और ऐसे में जब श्री राम
14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, ऐसे ही इस पूरे मामले में 14 वर्ष लग गए, एक लंबा वक्त लग गया है। हालांकि जो वजह है दोनों की, जो प्रकरण है वो बिल्कुल एक दूसरे से जुदा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि एक लंबा वक्त लगा है, इस लंबे वक्त के बाद जो फैसला सामने आया है उसे किस तरह से बीजेपी देखती है? देखिए, आतंकवाद जैसे गंभीर मामले में जो ये अपराध है, ये इतने गंभीर किस्म का है कि इन अपराधियों की जो साजिश थी, अगर वो कहीं कामयाब हो जाती तो एक बहुत बड़ा हादसा सामने आता। और आप ये देखिए कि जिस तरह से एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट उस समय हुए थे, संकट मोचन मंदिर में भी हुआ था, लखनऊ कचहरी में भी हुआ था, इस तरह से कई जगहों पे ये ब्लास्ट हुए थे, तमाम जाने भी इसमें गई थी। तो ये जो मसला था और जो न्यायालय का निर्णय है वो स्वागत योग्य है, लेकिन अगर ऐसे मामलों में न्यायालय प्रक्रिया थोड़ी जल्दी पूरी हो तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जो इस तरह के अपराध में जो लोग लिप्त होते हैं उनके लिए कड़ा संदेश दिया जाए। लगातार जो आतंकवाद के खिलाफ जो भारत सरकार का और जो हमारा सरकार का संकल्प है वो पूरी तरह से आतंकवाद को समाप्त किए जाने की दिशा में सरकार का निरंतर कार्य और प्रयास है, और उसी का परिणाम है कि आप देखें कि इधर हालिया जो पिछले 5 साल में देश के अंदरूनी हिस्सों में कहीं आतंकवादी घटनाएं नहीं देखने को मिली, वो केवल एक चुस्त दुरुस्त प्रशासन और सरकार की नीति का परिणाम है। लेकिन अगर ये जो जिस तरह के अपराधी आतंकवादी घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं या जो उनके मॉड्यूल्स हैं जो जो या उनके जो जो लोग उनको संरक्षण देते हैं, जो उनको अम्युनिशन सप्लाई करते हैं, कहीं न कहीं जो उनको सूचनाएं देने में मदद करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो कार्रवाई होती है वो त्वरित हो और कड़ी सजा उनको मिले, तो मुझे लगता है कि इससे जो इस तरह के लोगों को प्रश्रय देते हैं, आतंकवादी तत्वों को, आतंकवादी ताकतों को मजबूत करने का काम करते हैं, कहीं कहीं उन पे भी लगाम लगेगी और उनके लिए भी एक सबक साबित होगा। बिल्कुल, विजय वर्मा जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त बीत गया, 14 साल इस वक्त इस पूरे केस को चलते हुए हो गए, 14 साल बाद इस तरह का कोई फैसला आया है, क्या ऐसा नहीं लगता क्योंकि ये जो फैसला है जल्दी आना चाहिए था? ये पूरा जो मामला है कोई सिविल मामला नहीं है या सिविल तरह का कोई ऐसा केस नहीं है, ये जो मामला है आतंकी से जुड़ा हुआ मामला है, आतंकी आते हैं और अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने की कोशिशें करते हैं और कुछ हद तक कर भी लेते हैं, और ऐसे में हालांकि उसे उन्हें मार दिया जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर उनको जिन्होंने संरक्षण दिया उनके खिलाफ भी कार्रवाई ठोस होनी चाहिए और बहुत जल्द इस पे फैसला आना चाहिए, क्या ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्दी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन इस केस की अगर हम विशेष परिस्थितियों को देखें तो ये पाएंगे कि जो व्यक्ति मेन जो ऑफेंस करने वाले व्यक्ति थे, अक्यूज थे, उनको वहीं पे मार दिया गया था और बाकी लोगों के बारे में उनकी संलिप्तता कॉन्स्पिरेसी के आधार पे पाई गई थी, यानी उन्होंने जिसे कहते हैं बिहाइंड द कर्टेंस उनकी मदद की थी। इसकी एविडेंस जो है लेने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बहुत से तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है, साक्ष्य को, क्योंकि उन साक्ष्य को जब तक पुख्ता नहीं होते हैं तब तक न्यायालय में उसमें उसके आधार पर सजा दिलाया जाना बहुत आसान नहीं होता है। न्यायालय के लिए भी 120B के अंदर जो कॉन्स्पिरेसी के मैटर्स होते हैं उनमें साक्ष्य को बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक उनका अवलोकन और उनका गहन अवलोकन करना पड़ता है और उसके बाद ही उनके पर सजा की जा सकती है या उन्हें छोड़ा जा सकता है। इस प्रकरण में निश्चित रूप से समय बहुत ज्यादा गुजरा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसे केसेस में फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन और फुल प्रूफ एविडेंस को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए समय लगता है, ये बात अवश्य कि इसमें कुछ ज्यादा ही समय लगा, उसके कई कारण मुझे वैसे भी दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद फैजाबाद में ही इसको डिसाइड करने का निर्णय भी उचित नहीं पाया गया था, उसको उचित नहीं पाया गया था, जिसके कारण उसको वहां से ट्रांसफर करा गया। इसको इन सब प्रक्रिया में समय लगता है, लिहाजा इसमें भी समय लगा। उसके अलावा न्यायिक प्रक्रिया, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे कि केवल चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर देने से न्यायिक प्रक्रिया का
समापन नहीं हो जाता है, जो साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है उसमें उस प्रक्रिया में न केवल साक्ष्य ढूंढ ढूंढ के लाके प्रस्तुत करना होता है, जो कई जगह पर होते हैं, कई जगह उनको दूर दूर तक वो फैले होते हैं, उनको लाके प्रस्तुत करना पड़ता है। इसके अलावा उनकी जिरह की जाती है अपराधी की तरफ से, एक्यूज की तरफ से, उसमें बहुत समय लगता है। ये स्टेक होल्डर जो होते हैं इस तरह के केसेस में वो इस प्रकार के होते हैं जिसमें न केवल एक्यूज इन्वॉल्व होता है, विटनेसेस इन्वॉल्व होते हैं, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, बल्कि जजेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इन द सेंस क्योंकि उनका सबका अभिप्राय पर्पज ये होता है कि किसी तरह से जल्दी तो न्याय मिले, लेकिन एक पक्ष चाहता है कि उसमें डिले हो। और डिले के कारण कई हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय में ज्यादा काम होता है जिसके कारण ये पता, किंतु ये तो चूंकि स्पेशल केस की तरह से चल रहा था इसलिए मैं इस बात को नहीं मानूंगा कि न्यायालय में ये केस में न्यायालय की तरफ से कोई देरी की गई होगी, किंतु न्यायालय में साक्ष्य को प्रस्तुत करना, उसकी जिरह को समाप्त करने में निश्चित रूप से एक पक्ष डिले में इंटरेस्टेड होता है, और शायद उसमें भी ऐसा ही किया गया है। ठीक है, अतुल चंद्रा जी, क्या वजह मानते हैं कि इतनी देरी इस पूरे मामले पर हुई, क्योंकि एक 14 साल का लंबा वक्त लग गया, 14 साल का एक लंबा वक्त लगना एक वाकई अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये मानता हूँ उसको कि न्यायिक प्रक्रिया में देरी तो होती है, अतुल जी से सवाल है मेरा, लेकिन 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 इसमें जो है ये बहुत सेंसिटिव मैटर रहा है सर, अतुल जी से सवाल है सर, इसलिए अतुल जी से सवाल है, अतुल जी से सर। नहीं, जैसे वर्मा साहब कह रहे थे, इनका लंबा अनुभव है न्यायिक सेवा में। जी जी जी, कई कारण होते हैं इतना समय लगने में, लेकिन हम उन सारी बातों से सहमत हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन भी अपने आप में इतना ज्यादा समय ले लेता है कि आप खाली उसी में सालों लगा देंगे, लेकिन हमारा मानना यह है कि जब इस तरह का केस है और एक बहुत ही सेंसिटिव इशू उसमें इन्वॉल्व्ड है, बहुत ही सेंसिटिव आपका मॉन्यूमेंट इन्वॉल्व्ड है जिसके बनाने की बात चल रही है, एक ऐसा एक्ट इन्वॉल्व है जिससे शायद अगर वो सफल हो जाते आतंकी तो देश में बहुत ज्यादा उसका फॉलआउट खतरनाक होता। तो ऐसे में अगर जो न्यायिक प्रक्रिया साधारण रूप से चली है, अगर स्पेशल कोर्ट बना करके उसको थोड़ा सा प्रोसेस को हेसन कर दिया जाता, उसको उसमें तेजी ला दी जाती, तो वो मेरे ख्याल से काम उसमें तब भी हो जाता, क्योंकि जो डिले करने का डिले करने की देखिए आदत एक जो बता रहे हैं जज साहब वो होती है एक पक्ष में, कोई ना कोई कारण बता करके वो तारीख बढ़ाने की अर्जी लगा देते हैं, और ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है हमारे न्यायिक प्रक्रिया का। इसी वजह से हमारे यहाँ ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जस्टिस जो है इतना डिले हो जाता है। तो एक अब किस कारण से एक स्पेशल कोर्ट बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी गई, नहीं ध्यान दिया गया, या उसकी शायद जरूरत नहीं समझी गई, जो भी रहा हो, अगर वो होता तो शायद 15 साल 16 साल ना लगते, क्योंकि ये जिस तरह से मैटर रिजॉल्व हुआ है, जिस तरह से जजमेंट आया है इतने सालों बाद, ये पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे आप सिविल मामले में मुकदमा लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कोई जमीन का प्रॉपर्टी का विवाद है जो चला आ रहा है बरसों से, आप उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो भी वजह रही हो सकता है शायद स्पेशल कोर्ट बनाने की इसमें जरूरत ना महसूस की गई हो किसी वजह से, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट की को बनाना ऐसे मामलों में बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, देखिए जब ये केस लंबा चल रहा है तो उसमें जो अक्यूज्ड हैं उनके ऊपर से केस विथड्रॉ करने की भी बात चलने लगती है। जी, लोग कोशिश करते हैं, पहले ही कह देते हैं कि ये इनोसेंट हैं, इसलिए इनके ऊपर मुकदमा नहीं चलना चाहिए, कह देते हैं कि इनको फंसाया गया है। तो
बेसिकली ये है कि अगर साक्ष्य सारे आपने एक टाइम बाउंड मैनर में इकट्ठे कर लिए हैं तो फिर उसी तरह से हर स्टेज में आप उसको थोड़ा सा तेजी ला सकते हैं। ये मेरा अपना मानना है, ये अनुभव हम नहीं जानते हैं कि किस तरह से ये होगा, लेकिन ऐसा शायद हो सकता है कुछ केसेस में। ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था और 14 साल से ये मामला चल रहा था, तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, लेकिन बावजूद इसके ये जो मामला है वो यूं ही चलता रहा, क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? क्योंकि सरकारें भी आती हैं, अगर वो चाहती तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पूरे मामले को डालकर और इस पूरे मामले का जल्दी से निपटारा किया जा सकता था, लेकिन बावजूद इसके ऐसा नहीं किया गया। नहीं, निश्चित रूप से जो अतुल चंद्रा साहब ने बात कही और जो वर्मा साहब ने बात कही, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पे सही हैं। एक तो ये कि ऐसे जो प्रकरण हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, जो बहुत ही जिनका नेचर इस तरह से है कि इसका बहुत दूरगामी परिणाम होने वाला है, दूरगामी प्रभाव होने वाला है, जी, जी। ऐसे केसेज में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसकी लगातार डे टू डे सुनवाई करके ऐसे मामलों को निस्तारित किया जाना चाहिए, ताकि एक समाज को संदेश भी जा सके, ऐसे जो ऐसी जो विध्वंसकारी ताकतें हैं उनके लिए भी एक कड़ा मैसेज जा सके, और जो वो अपने मॉड्यूल बनाती हैं और जो लोग उनके मॉड्यूल बन जाते हैं उनको लिए भी एक मैसेज हो सके। जब ये लंबा खिंच जाता है तो वो संदेश लोगों तक उसका प्रभावी नहीं रहता। परंतु जैसा कि वर्मा साहब बता रहे थे कि जैसा कि जस्टिस का एक जो प्रिंसिपल है कि साहब 100 निर्दोष भले छूट जाएं लेकिन एक 100 दोषी भले छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना होने पावे, उसके तहत जो आरोपी होते हैं उनकी तरफ से लगातार इस तरह का प्रयास किया जाता है, लगातार इस तरह की बातें की जाती हैं कि वो मामला आगे खिंचता ही रहे, और उसमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन है जज के लिए भी ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है कि उसके एकदम तथ्य पे पहुंच करके और फिर उसका फैसला करना, तो उसके लिए भी एक इन विषयों को बहुत गहनता से छानबीन और बहुत गहनता से चीजों के सारे फैक्ट फिगर को समझना वो एक विषय होता है जिसको लेकर के कई बार ये चीजें बहुत लंबा खिंच जाती हैं। लेकिन अगर वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके अभी एक फैसला कहीं का मध्य प्रदेश का या किसी अदालत का आया जिसमें एक रेप के केस में 15 महीने में या शायद इतने ही समय में कुछ बहुत जल्दी ही सजा उसमें कोर्ट ने सुनाई, तो जो इस तरह के जो हीनियस क्राइम है और जो बहुत देश की रक्षा सुरक्षा संबंधित जो क्राइम है, मुझे लगता है कि न्यायालय को इसमें अपना पुनर्विचार करना चाहिए जो उसकी प्रक्रिया है और वो कैसे त्वरित हो सके, कैसे उसमें न्याय त्वरित हो सके, कैसे हम वो जो इस तरह की ताकतें हैं उनको न्याय के माध्यम से एक संदेश दे सके, ये सुनिश्चित करना तो कोर्ट का ही काम है। कोर्ट के उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते जो उन्होंने किया है, लेकिन ये अगर समय कम लगे तो इस तरह की ताकतों के मंसूबे जरूर कुंठित करने में आसानी होगी और ऐसे ताकतों को भी नस्तनाबूद करने में आसानी होगी, और जो ये प्रक्रिया है इसके सरलीकरण की दिशा में न्यायालय विदिन द न्यायालय ही विचार हो सकता है कि कैसे इस प्रक्रियाओं को सरलीकरण करके और इसमें इसका त्वरित निस्तारण किया जा सके। ठीक है विजय वर्मा जी, आपसे सवाल है कि ठीक है अगर ये पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलता तो ज्यादा बेहतर रहता और बहुत जल्द इसका नतीजा निकल के सामने आता, फैसला सुना दिया जाता, लेकिन अगर इस तरह के कोई भी मामले होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें टाइम बाउंड होना चाहिए, कितने वक्त के अंदर आप इसको सुनाइए, इस फैसले को सुनाइए या फिर इसका निपटारा करिए? देखिए मैं इस बारे में एक बात ये बताना चाहूंगा कि लोगों को ये बहुत गलतफहमी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई प्रोसीजर अलग होता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई प्रोसीजर अलग नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सिर्फ क्रिमिनल केसेस ही जाते हैं और सेशन ट्रायल केसेस नॉर्मली होते हैं, तो जो हीनस गैंग जिसके पर्पज से उनमें कम केसेस होते हैं और उन्हीं केसेस का ही उसमें डिसीजन होता है, मतलब प्रोसेस एग्जैक्टली द सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है और मेरा यह अपना सोचना है कि कुछ केसेस ऐसे सेंसिटिव होते हैं जिनमें कि उस समय की सरकारें जो भी होती हैं वो उसको डाई डाउन करने में इंटरेस्टेड रहती हैं, तो सेंटिमेंट्स को जिसे कहते हैं डाउज करने का, उन फायर को डाउज करने का एक वो रहता है जिसके बेसिस पे
जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो उसमें भी थोड़ी सी वो रहती है, और वो उसके अलावा कोर्ट में भी वो चीजें जो हैं उतनी तेजी से नहीं रखी जाती हैं डिस्पाइट द प्रोएक्टिव एटीट्यूड ऑफ द जज। मैंने इस चीज को मैं महसूस करता हूँ डिपेंडिंग ऑन द कि क्या किस तरह का वो वहां पे उस समय का सरकार का रुख है। वरना ये बात सही कह रही है आप कि कोर्ट के सामने अगर सारी एविडेंस को तेजी से रखा जाए तो कोर्ट तो उसको डिसाइड कर ही देगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में प्रोसीजर, कोर्ट इज आई मीन जो जज है वो बाकायदा इस तरह के केसेस में बहुत ही प्रोएक्टिव रोल करके उसका रहता है, और जितने भी इस तरह के केसेस होते हैं उनमें बहुत ही जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव जज रह करके उनको वो डील करता है। लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर सकता जबकि वो साक्ष्य लाने में देरी होती। मैं आपको बताना चाहूंगा कई केसेस में मैंने देखे हैं कि जैसे कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं तो उनको जिन्होंने परमिशन दे रखी है, सैंक्शन दे रखी है, वो उनकी गवाही निश्चित देना आवश्यक होता है पर वो अपीयर ही नहीं होते कोर्ट में। आई रिमेम्बर इन वन ऑफ द केसेस जिसमें मुझे वारंट इश्यू करना पड़ा उन आईएएस ऑफिसर का। कहना मैं ये चाह रहा हूं उनके आधार के बेसिस पे कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के केसेस में पर्टिकुलरली जो जो सेंटिमेंट्स में उभार ना आए उसके पर्पस से शायद स्लो प्रोसेस का एक रोल होता है गवर्नमेंट का। ऐसा मेरा सोचना है। अगर हम इस केस की बात करें रीजन, ठीक है, इस केस की अगर हम बात करें 14 साल तक केस चलना, वो भी इस तरह का केस जो कि आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ऐसे केस में 14 साल तक अगर वो केस चलता है तो क्या माना जाए कि इसमें एक लापरवाही पुलिस की भी है, साक्ष्य नहीं जुटा पाई ठीक से, और यही वजह रही है कि एक जो आरोपी था वो बरी हो गया। देखिए एक चीज ये बात है कि ये आवश्यक नहीं कि जो पूरे साक्ष्य जो है वो जो पेश किए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के द्वारा वो कार को न्यायालय उस पर सब पे विश्वास करे ही। न्यायालय तभी विश्वास करती है जब उस साक्षी को विश्वसनीय पाती है, तो कमी हो सकती है, और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो है कोई कमी रही होगी। हो सकता है कि साक्ष्य में इतनी कमी नहीं थी कि उसको सजा मिल सकती उस व्यक्ति को भी, बट ये तो तय है कि साक्ष्य को न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाया गया जिसके कारण ही वो व्यक्ति बरी हुआ, बाकी के खिलाफ साक्ष्य को विश्वसनीय पाते हुए उनको सबको सजा हुई। तो ये मैं कह सकता हूं कि शायद साक्ष्य जो था जो पेश किया गया वो विश्वसनीय न्यायालय द्वारा नहीं पाया गया, और उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक 63 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिनमें से 57 गवाहों को अभियोजन पक्ष ने पेश किया था जबकि 6 गवाहों को कोर्ट ने तलब किया था, और इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 18 जून की जो तारीख थी वो तय की और आज फैसला सुनाया। जी मैं ये कहना चाहूंगा आपको, देखिए पावर रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि चार्जशीट जितने गवाह होते हैं उनको पेश करती है, कभी कभी उनमें से कुछ पेश नहीं होते हैं, लेकिन जिनको न्यायालय समझता है कि ये बहुत आवश्यक है तो सेक्शन 311 सीआरपीसी में उसको पावर है कि वो ऑर्डर करे कि नहीं इनको भी पेश किया जाए, और वो फिर कोर्ट विटनेस की तरह से पेश होते हैं, उनकी भी जिरह होती है अक्यूज के द्वारा, और फिर उसके बेसिस पे फिर वो कोर्ट इस नतीजे पहुंचती है कि हाँ ये गवाह जो भी पेश किए गए हैं वो इतने विश्वसनीय हैं या नहीं, जिनके आधार पर वो चार्जेस जो लगाए गए हैं इंडिविजुअल अक्यूज पे वो प्रूव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जिसमें ये माना जाता है कि बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स वो प्रूव हो जाता है उसमें उसको सजा होती है, बाकी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, नॉट नेसेसरीली कि वो एविडेंस जो है एकदम विश्वसनीय नहीं थी, हो सकता है कि उसमें कुछ कमी रही हो, या उससे बहुत सारे विटनेस ऐसे होते हैं जिनके साथ जो साथ की एविडेंस होती है वो उसके साथ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उसको प्रूव नहीं करती है, तो इसके बेसिस पे उसके विरुद्ध नहीं पाया गया तो उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर पूरी तरह से साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है तो कोर्ट सजा नहीं करती है, ये नॉर्मली होता है। जी अतुल जी, जब तक साक्ष्य ये कोर्ट का पावर है। जी 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 हाँ यस प्लीज अतुल जी, जब हाँ, तक कुछ करेंगे बोलिए। हाँ अतुल जी, जब तक कोर्ट के पास साक्ष्य नहीं आते हैं और जब तक वो विश्वास करने लायक नहीं होते तब तक कोर्ट सजा नहीं सुनाती है, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ढिलाई बरती गई है, कहीं ना कहीं तो कमी, कहीं ना कहीं तो खामियां रही ही है, क्योंकि एक जो आरोपी है
वो सबूतों के अभाव के कारण छोड़ दिया गया, तो इसमें कहीं तो आप समझते हैं कि खामी रही है? नहीं, ये अगर पांच में से चार अभियुक्तों को दोषी करार ठहरा दिया गया और एक को बरी कर दिया गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एविडेंस कलेक्ट करने में ढिलाई बरती गई। जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए कोर्ट के सामने, जैसे अभी जज साहब ने कहा, कोर्ट उन एविडेंस से कन्विंस्ड नहीं हुई, और कोर्ट को कन्विंस करना उसके लिए आपको मेहनत शायद और करनी पड़ती, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके बाद भी कोर्ट कन्विंस हो जाती। जिस तरह के साक्ष्य चाहिए थे उस तरह के साक्ष्य पूरे नहीं मिले होंगे, तो हम ये नहीं कहेंगे कि साक्ष्य कलेक्ट करने में ढिलाई बरती गई। पूरे पुख्ता साक्ष्य उनको उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं मिले होंगे, हम ये मान के चलते हैं। हम इसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देने को तैयार हैं, क्योंकि अगर चार लोगों को कन्विक्शन हो गया और एक का नहीं हुआ, तो उसके आधार पर हम ये नहीं कहेंगे कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया। ठीक है, विजय वर्मा जी, इस तरह के केसेस में कौन कौन सी धाराएं लगती है? अगर कोई आतंकवादी का समर्थन करता है, उसे पनाह देता है या फिर उसकी मदद करता है, किन किन धाराओं के तहत तो उस पर कार्रवाई होती है? नहीं, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इनफैक्ट अगर आप इतिहास में जाएंगे तो पाएंगे, पहले टाडा करके एक केस टेररिस्ट के खिलाफ, इंडिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के खिलाफ एक एक्ट था जो रिपील किया गया। बाद में फिर पोटा आया, फिर पोटा भी 2 साल के अंदर रिपील हो गया। और इसके बेसिस पे ये आवश्यक हो जाता है कि इस तरह का टेररिस्ट के खिलाफ स्पेशल एक्ट होना चाहिए, मेरा अपना मानना है, जिसके बेसिस पे प्रोसीजर जो है उसमें इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से, अरेस्टिंग के पर्पज से एक्सेट्रा जो है वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है, सो फॉर एज द टेररिस्ट। लेकिन ये माना गया था उस समय की गवर्नमेंट में कि शायद ये इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है या हुआ, जिसके बेसिस पे वो एक्ट अपील कर दिया गया। तो इन जो एक्यूज थे उनको तो सबको आईपीसी की धाराओं में और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धाराओं के अंतर्गत चलाया गया था, जिसमें कि जिनके ऊपर 302, 307, 305 एंड सो ऑन वो सेक्शन लगे, उनमें चार आदमियों के खिलाफ ये माना गया कि ये सबने सही किया, जिसके लिए उनको आजीवन कारावास भी हुआ, फाइन भी हुआ। एक के खिलाफ इतनी एविडेंस नहीं थी, आई एम यूजिंग द टर्म वंस अगेन, सफिशियंट अनफ टू वारंट कन्विक्शन, मतलब इतनी एविडेंस नहीं थी कि उसको सजा दी जा सकती। इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ एविडेंस नहीं थी उसके खिलाफ, बट इतनी एविडेंस नहीं थी, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला, वो बरी हो गया। लेकिन ये कि आपकी बात सही है कि इस तरह के लिए कि शायद एक अलग विचार की आवश्यकता है कि फिर प्रॉब्ली इस तरह के आतंकवादी केसेस के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में या इवन नॉर्थ ईस्ट में लगे हुए हैं अफ्सपा वगैरह के केसेस हैं, इस तरह के हैं, तो इस तरह का कुछ हमारे यहाँ इस तरफ भी होना चाहिए, ऐसा मेरा, मैं इसमें आपसे आपकी इस विचार से को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि हाँ होना चाहिए। हरीश श्रीवास्तव जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसको लेकर कोई कठोर कानून बनने चाहिए इस पूरे मसले पर? नहीं, निश्चित रूप से। अब देखिए, वैसे तो कानून कई बने हुए हैं और सर, कानून तो इस तरह से हैं कि 14 साल लग जाते हैं सर, लेकिन इस पर कुछ इस तरह का कानून होना चाहिए, एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए कि अगर इस तरह का जो मामला सामने आता है तो उस पर एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने वक्त के अंदर आप फैसला सुनाइए। देखिए, इसमें ये पूरा मसला दो 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 भागों में विभाजित होता है। एक तो वो कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो कानून व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियां होती हैं, जो एक तो उनका काम होता है कि इनको इन्वेस्टिगेट करना, इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, कल्प्रिट्स को पकड़ना, कल्प्रिट्स को बिहाइंड द बार करना और उनके खिलाफ चार्जशीट सबमिट करना। एक तो इसका एक पक्ष ये हुआ। दूसरा पक्ष होता है वो जुडिशरी का पक्ष होता है पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जो दो पक्षों के बीच में ये पूरी प्रक्रिया होती है और दोनों एक दूसरे पर करीब करीब निर्भर होती, क्योंकि
चार्जशीट दाखिल करने के बाद भी जैसा एविडेंस को प्रस्तुत करना और बहुत सारी चीजें कोर्ट के सामने पुलिस प्रशासन को करना होता है, तो ये पूरे के पूरे मसले में कानून का तो एक पार्ट है कि उस कानून और उन धाराओं के तहत चीजों को उनको निरुद्ध करना और उन चीजों की जांच परख करना, लेकिन जो एक जो एविडेंस और ये जो प्रक्रियाएं हैं वो तब भी उसी तरह से सेम रूप से अप्लाई होती हैं जैसा मेरा मैं समझ सकता हूं इस बात को। तो ये बात सही है कि इस तरह के पूरे जो मामले हैं इनका शीघ्र निस्तारण होना चाहिए और कल्प्रिट्स को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी लेंथी होती है और जैसा मैंने पहले भी कहा, वही एक सवाल है मेरा, वही हरीश जी मैं पूछ रही हूँ कि क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, अगर सिविल मामला हो तो ये न्यायिक प्रक्रिया अगर लंबी भी होती है तो चल जाता है, लेकिन आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला हो तो इसमें एक टाइम बाउंड होना चाहिए या फिर इस तरह का कानून होना चाहिए कि उस पे बहुत ज्यादा वक्त ना लगे और जल्द ही फैसला सुनाया जा सके, तो क्या आप इससे सहमत नहीं है कि इस तरह का कानून होना चाहिए? आपकी बात बिल्कुल सही है और निश्चित रूप से इस पे कानून भी आना चाहिए और जुडिशरी की प्रक्रिया में भी ऐसी कोई व्यवस्था बननी चाहिए कि ऐसे केसेस की सुनवाई और इसका थोड़ा सरलीकरण इस तरह से हो कि इसमें शीघ्र से शीघ्र निर्णय आ सके, ये अगर होगा तो अच्छा होगा और मुझे लगता है कि सरकार का जो संकल्प है निश्चित रूप से इन सारे विषयों पर सरकार भी कोई न कोई प्रक्रिया ऐसा अडॉप्ट करना चाहेगी कि जिसमें इस तरह के अपराधियों को जल्दी से जल्दी इसकी सजा मिले। ठीक है, बात कर रहे हैं अयोध्या में अधिग्रहित परिसर में आतंकी हमले के मामले में विशेष अदालत ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि 1 आरोपी को बरी कर दिया है। इस पे डिबेट लगातार हमारी जारी है। हरीश श्रीवास्तव जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे ही सवाल कर रही थी, जब आपने कहा कि हाँ इस तरह का कानून बनना चाहिए, वाकई हम इसकी भी सराहना करते हैं, अगर इस तरह का कानून आपकी सरकार के जरिए बनता है तो वाकई वो सराहनीय काम होगा, तो क्या उम्मीद करें कि जल्दी इस तरह का कानून संसद में पेश किया जाएगा, पास किया जाएगा, बनाया जाएगा? जैसे उत्तर प्रदेश का जहां तक कंसर्न है, उत्तर प्रदेश में यूपी कोका यहां से पास हुआ है, मुझे लगता है कि जल्दी ही उसको कानून का रूप लेना चाहिए। और जहां तक भारत सरकार की बात है, निश्चित रूप से जो सर आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है तो पूरे देश में बनना चाहिए, सिर्फ खास तौर पे उत्तर प्रदेश की बात नहीं, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, स्टेट में भी आपकी सरकार है, तो जाहिर तौर पे उम्मीद भी आपसे बहुत ज्यादा हो जाती है, पूर्ण बहुमत के साथ आपकी सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, तो उम्मीद जो है जनता की आप लोगों से 4 गुनी है। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और इस विषय को मैं जो भारत सरकार के उन संबंधित व्यक्तियों तक मैं ले भी जाऊंगा और मुझे लगता है कि वो समय किस पे विचार करने के बाद जो भी आवश्यक कदम होगा वो उठाएंगे। ठीक है, विजय वर्मा जी, क्या आपको लगता है क्योंकि इस तरह का अगर कानून बन जाता है तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग जो कि आतंकवादियों को संरक्षण उनका करते हैं, उनको पनाह देते हैं, उनकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों में डर और खौफ नाम की चीज भी पैदा होगी कि अगर हमने इस तरह के काम किया या इस तरह से मदद की आतंकवादियों को तो हमारे खिलाफ भी बड़ा एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अगर हम, ये तो अयोध्या की बात हुई, कश्मीर की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों को पनाह देते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और यही वजह है कि जो आतंकवादी है वो भारतीय सीमा में घुसते हैं, तो अगर इस तरह का कोई कानून बनता है तो वाकई वो सराहनीय होगा और उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं है कि ये इतना बड़ा मीनियस है विच इज इनगल्फिंग द एंटायर वर्ल्ड टेररिज्म, और इसके लिए निश्चित रूप से भारत में ये एक और बहुत बड़ी मतलब प्रॉब्लम है जिसके लिए निश्चित रूप से कोई कड़े कानून की आवश्यकता है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर से वो एक्ट नहीं हटाया गया, यद्यपि इसकी बहुत मांग वहां के द्वारा की गई थी। और मेरा मानना यह है कि पूरे देश में इस तरह के कानून के लिए, जहां तक आतंकवाद का सवाल है उससे संबंधित केसेस के लिए कानून बनना चाहिए जिसमें बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन होना चाहिए, उसमें एक मिनिमम पनिशमेंट जैसे कि मर्डर केस के लिए बना गया कि नॉट लेस देन लाइफ इंप्रिजनमेंट, इस तरह का कानून पनिशमेंट होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, कि जो कोर्ट में प्रोसीजर है इस प्रोसीजर को भी सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए।
आज हम लोग डिजिटल युग में हैं, एविडेंस को कई दफे हम बहुत सारी चीजों को जैसे कि होता था कि पहले होता था कि FIR है उसकी कॉपी को गवाह आएगा उसको प्रूफ करेगा ये चला करता, फिर चेंज हुआ कि कोई भी, मैं कहना चाहता हूं इस तरह की चीजों को एविडेंस एक्ट में चेंज करके हमें उनको जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं डिजिटली उसके बेसिस पे साक्ष्य को अमेंड किया जाना चाहिए। थ्री, कोर्ट में जो आपने बात की, कोर्ट में टाइम बाउंड केस चलने चाहिए, टाइम बाउंड चलने चाहिए, लेकिन क्रिमिनल केसेस को टाइम बाउंड हम नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि टाइम बाउंड के बेसिस पे वो बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनमें गवाह वो ना आ सके तो फिर उससे केस अफेक्ट होने लग जाएगा। सो दैट बट यस देर हैज टू बी प्रोविजन कि वो उसमें एडजोर्नमेंट पे हम जोर डाल सकते हैं कि जैसे लॉयर्स का होता है कि वो एडजोर्नमेंट ले रहे हैं तो जैसे कि हो गया कि नहीं साहब एक एडजोर्नमेंट या दो एडजोर्नमेंट ज्यादा केसेस में नहीं दिया जाएगा और इस तरह का, और फिर उसके अगेंस्ट में अगर कोई क्लोजर एविडेंस की जाती है कोर्ट के द्वारा तो उसके अगेंस्ट में फिर कोई अपील भी या रिविजन भी लाई नहीं करेगा। इस तरह प्रोविजन की आवश्यकता है पर्टिकुलरली फॉर द केसेस लाइक दिस, जिससे होगा क्या कि जब कोर्ट में चार्जेस के बाद एविडेंस आ गई उनकी जिरह हो गई तो फिर बहस डिफेंस की एविडेंस और फिर उसके बाद बहस दैट्स इट, तो क्यों नहीं जल्दी डिसाइड हो सकता केस। तो लेकिन उसके लिए जो इस चीजों में भी देरी आती है क्योंकि 2006 में फैजाबाद से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जिला अदालत में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था, इस पूरे केस को ट्रांसफर कर दिया गया था। इस तरह की चीजें होती है तब भी कहीं ना कहीं जो केस है वो डिले होता है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं इस बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस का मैं सीबीआई मजिस्ट्रेट हुआ करता था और मुलजिमों को लखनऊ में रखने के बजाय वहां से एकाएक ही उनको ललितपुर कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था सबको। आई टुक एन ऑब्जेक्शन टू इट। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो ये सब चीजें की जाती है टू डिले द प्रोसीडिंग्स। कोर्ट को प्रोएक्टिव रोल प्ले करते हुए ये देखना चाहिए कि वो उनके शुड नॉट बिकम अ स्टूक इन द हैंड्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। उसको प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए। आपने जो बात कही कि हम इनको कैसे कम कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि जिस एविडेंस की हमें आवश्यकता नहीं है उस एविडेंस को क्लोज किया जा सकता है अगर कोर्ट ये महसूस करती है। और जैसा कि कोर्ट अगर समझती है तो जैसा मैंने बताया आपको 311 में उन्होंने 6 को तलब किया तो थे और भी कोई भी तलब कर सकती है और जल्दी से जल्दी उन केसेस का निपटारा किया जा सकता है, एडजोर्नमेंट का रिजेक्शन किया जा सकता है। और इस बेसिस पे जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर पास किया गया उसके अगेंस्ट में जो रिवीजन या उसका प्रोविजन बना है उसको भी उसके लिए भी ऐसा प्रोविजन बनना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि प्रोसीजन रैंगलिंग्स को खत्म करते हुए प्रोविजन ही ऐसा बन जाए कि वो हो ही ना सके, बट डिपेंडिंग ऑन कि हाँ क्या न्याय के हित में है। न्याय की हत्या की बात तो कभी भी नहीं हो सकती न्यायपालिका के द्वारा, इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे मिनिमाइज करते हुए प्रोसीजन रैंगलिंग्स को हम जल्दी से जल्दी डिसीजन दे सकते हैं और इसके लिए स्पेशल कोड बना दी जाए। मैं बताऊं सीपीआई मजिस्ट्रेट बाबरी मशीन का इसमें केवल एक केस था मेरे पास, आई वाज जस्ट हैविंग जस्ट वन केस एंड इट वाज इन द गवर्नमेंट ऑर्डर कि इनको कोई अन्य केस नहीं दिया जाएगा। पर्पज ये था कि जल्दी जल्दी केस डिसाइड जल्दी से जल्दी, हालांकि वो आते डिसाइड हुआ है बिल्कुल। मैं आई डोंट नो, ठीक मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। ठीक है ठीक है, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे अतुल चंद्रा जी, क्योंकि जिस वक्त ये पूरा ब्लास्ट प्लान किया गया था 2005 में हुआ था, 2005 में ये पूरा जो आतंकी है वहां पर घुसे थे और उन्होंने अपने नापाक हरकतों को कामयाब करने की कोशिश यहाँ पर की थी, क्या माना जाए कि ये बाबरी विध्वंस का बदला लेने की कोशिश थी? देखिए, अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हम उसका बदला लेने आए थे तो हम उसको हम क्यों डिनाई करें। हम प्राइमा फैसी उसको हम मानेंगे कि वो बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए ही आए थे, आतंक फैलाने के लिए। एक बात हम जो इससे अलग हट करके कहना चाहेंगे, जो एक कोर्ट और कानून की बात हो रही है तो अभी एनआईए जो है वो फुली एम्पावर्ड है। जैसे आपने कहा कि जो संरक्षण देते हैं, जो फाइनेंस करते हैं, उन सब को अरेस्ट करने की पूरी पावर, अरेस्ट करके इन्वेस्टिगेट करने की पूरी पावर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास है। और ये हम देख रहे हैं कश्मीर में जो भी लोग जिनके ऊपर शक है कि ये टेररिज्म को फंड कर रहे हैं, उन सब को एनआईए ने अभी अपने पास रख रखा है। तो वो सब कानून तो हमारे पास हैं, लेकिन जो एक डिले की बात होती है, एक तो
जज साहब ने बताया कि किस तरह से उनको एक ही केस दिया गया, किस तरह से केस ललितपुर ट्रांसफर कर दिया गया उनको अक्यूज्ड को, आपने बताया कि किस तरह से फैजाबाद से इलाहाबाद और फिर नैनी जेल ये हो गया। लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल भी बीच में आ जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी ने बीच में जो टेरर अक्यूज थे उनको छुड़वाने के लिए, ये इस पर्टिकुलर मामले में नहीं और जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें जो अक्यूज थे उनको छुड़वाने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा कर लिया, वो तो हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से उनकी वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, उनका वादा वो पूरा नहीं हो पाया। तो बाद में सजा भी हुई है कार लोगों को, बाद में उसमें सजा भी हुई, लेकिन ये छोड़ रहे थे, ऑर्डर कर दिया था। ये जो होता पॉलिटिकल इंटरवेंशन इस तरह से, और ये करीब करीब, ये हम इस वाले मामले में नहीं कहेंगे लेकिन बाकी जो केसेस हैं उसमें ज्यादातर हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल एंगल एक जरूर आ जाता है, वो भी इन्फ्लुएंस करता है जस्टिस सिस्टम को। बिल्कुल हरीश श्रीवास्तव जी, आप इसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो है बड़े बड़े दावे और वादे करती हैं आतंकवाद को लेकर, लेकिन जो मंशा है उस पर भी सवाल उठ जाते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी का उदाहरण दिया है अभी अतुल जी ने। नहीं, वो तो प्रमाण के तौर पे है, समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं किया बल्कि ऐसे आतंकवादियों को छोड़ने के लिए उन्होंने प्रोसीजर अडॉप्ट किया जिनको कई और भी राजनीतिक पार्टियां हैं सर, तो जो कि पूरी पूरी रात, जब किसी आतंकवादी को सजा होती है तो पूरी पूरी रात कोर्ट खुलवाने के लिए तैयार हो जाती है, ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका क्या तो किया जाए? आप ये देखिए ना कि तो ये जो चीप पॉपुलरिटी या जो चीप पॉलिटिक्स है वो भी इसमें बीच में आड़े आती है निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि इस चीप पॉलिटिक्स से ज्यादा मजबूत देश का जज्बा है, तो उसके नाते इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाते, परंतु इन ऐसी चीजों में विवाद तो खड़ा ही करते हैं और इसको एक डिले प्रोसेसिंग में तो डालते ही हैं। बिल्कुल, ये तो अयोध्या का मामला हुआ है जिसके हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं देश में। कश्मीर की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में 3 आतंकवादी जो हमले हो चुके हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठते हैं, और ऐसे वक्त पे होते हैं जब पाकिस्तान खुद ये बता चुका होता है कि जो आतंकवादी है वो भारत पर हमला करेंगे, और ऐसे में ये बता चुका होता है अमेरिका को, ये बता चुका होता है भारत को, लेकिन बावजूद इसके आतंकवादी आते हैं, अलर्ट करने के बाद भी हमले को अंजाम देते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, हालांकि उन्हें ढेर कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि सुरक्षा व्यवस्था में वाकई क्या चूक है कि आतंकवादी एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये तो अयोध्या का मामला हुआ क्योंकि 2005 का मामला था, मैं हाल फिलहाल की बात कर रही हूँ क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहें या ये भी कह सकते हैं आप कि जो जो भारत की जो पॉपुलेशन वो है कंपोजिशन, उस पॉपुलेशन में ऐसे लोगों को का वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ऐसे लोगों को अपने आप ये कहिए कि उनका ब्रेन वॉश करके या उनको पूरी तरीके से गुमराह करके वो अपने प्रभाव में लेते हैं और उनको एक उस जो एक कंपोजिशन है आबादी का, इसके नाते उनको कहीं न कहीं पनाहगार मिल जाते हैं, कहीं न कहीं मदद करने वाले मिल जाते हैं, जिसके जो वो भी एक बड़ा कारण है। तो अब उसके नाते वो चेहरे भी बाद में बेनकाब होते हैं, लेकिन घटनाएं तो अब जो अपराधी आतंकवादी तत्व हैं इस तरह की घटनाओं को तो अंजाम दे देते हैं। और तो ये एक, ये भी इसके पीछे एक अगर आप देखें तो ये एक फैक्ट है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो जो बाकी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, वो लगातार अपने सिस्टम को और ज्यादा फूल प्रूफ करती हैं कि ताकि कहीं कोई लीकेज ना रह जाए जहां से। लेकिन जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया जिस तरह का है, पहाड़ी है, जंगल है, बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियां हैं कि जिसमें से वो सुरक्षा एजेंसियों के चाक चौबंद होने के नाते भी वो फेंसिंग के नीचे से जंगलों में क्रॉस कर आते हैं, फिर वो कहीं कहीं पनाह लेते हैं। तो ये कई तरह की दिक्कतें हैं और जिसमें
जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं इनके बहुत सतर्कता के बावजूद भी कुछ न कुछ इस तरह के जो मॉड्यूल हैं, जो आप जो फिदाइन हैं, इस तरह की जो अब दस्ते ये लोग ट्रेन कर रहे हैं, ये लोग उसमें कहीं न कहीं कुछ सफलता हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल सफलता हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए जाहिर तौर पर पुख्ता इंतजाम करने पड़ेंगे और आतंकवाद को लेकर एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है ताकि आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को कामयाब ना कर सके। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे विजय जी, क्योंकि अगर हम बात अयोध्या की करें तो अयोध्या मामले में 2005 से पूरा मामला चलता हुआ आ रहा है, अब जो सजा है वो दे दी गई है, क्या इस सजा को चुनौती भी दी जा सकती है, क्या इस फैसले को चुनौती दी जा सकती है हाईकोर्ट में? हाँ बिल्कुल दी जा सकती है, तो न्याय प्रक्रिया है, बिल्कुल दी जा सकती है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, दोनों की तरफ से दी जा सकती है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो किया गया है उसके जो एक्विटल हुआ है जिस व्यक्ति का, उसके खिलाफ भी हो सकती है, और जिस को छोड़ा गया है, जिनको सजा की गई है, वो तो वो भी अपने खिलाफ अपना अपील, अपने उसके खिलाफ अपील दाखिल दायर कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हाँ आपकी एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो आतंकवाद में आप, हाँ जी हाँ जी रखिए अपनी बात, अपनी बात रखिए आप। नहीं मैं ये कह रहा था, जहां तक उसका सवाल है कि सुरक्षा में चूक का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ये बड़े बड़े शहर हो, यूके हो, यहां पे भी आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। क्योंकि जहां तक फिदाइन हमलों का सवाल है, यू कैन डिस्पाइट ऑल, यानी आप 100 में से आप 95 बचा सकते हैं, लेकिन 4-5 तो वो सिस्टम में पोरस, इतना सिस्टम पोरस तो होता ही है कि उसमें से वो निकल सकते हैं। ऐसा कहीं भी किसी वर्ल्ड में ऐसा कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बना है जहां पे कि इसको कहा जाए। हाँ ये मैं आपसी बात से सहमत हूं कि इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं और उन स्लीपर सेल्स जो वर्ड इस्तेमाल किया था उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, गुप्तचर संस्था को हम और अपना स्ट्रांग बना करके और उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करके, आपको बता दूं कि ये जितने भी लोग बात करते हैं आपस फोन में, ये सब उसमें उसको गुप्तचर संस्थाएं इनको टैग करती रहती है, लेकिन मैं कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनको और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी फुल प्रूफ सिस्टम इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर तो जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, अगर स्लीपर सेल्स को खत्म करना है तो आपको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। ठीक है विजय वर्मा जी, आपसे मेरा एक सवाल ये भी है, क्योंकि आपने कहा कि हाँ हाई कोर्ट में इसको चुनौती दी जा सकती है, सर ये हमें बताने की कोशिश करें कि जब हाई कोर्ट में पूरा मामला जाएगा तो क्या एक नए सिरे से उस पर पूरी तहकीकात होगी, या फिर कितनी पॉसिबिलिटीज है कि जो फैसला जिला अदालत ने दिया है वही सेम रहे? देखिए इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता और ना मुझे देना चाहिए एज ए जज, कारण ये कि ये जो भी कुछ है वो जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट उस एविडेंस को वे करेगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट, और उसको ये पाएगी कि ये एविडेंस इसके खिलाफ सही है, तो कोई उसमें कोई रीजन नहीं कि उनमें जिनको सजा मिली उनको छूट मिले। इसके बाद भी प्रोविजन बनता है, सुप्रीम कोर्ट भी उसके बाद भी जा सकता है, जहां तक उसका सवाल है। रहेगी बात ये कि हाँ जिस व्यक्ति को एक्विटल हुआ उसके खिलाफ भी अगर जाना चाहेंगे तो उसके खिलाफ जा सकते हैं, अगर कोर्ट पाती कि नहीं एविडेंस वाज सफिशिएंट एनफ टू वारंट द कन्विक्शन तो वहां पे कोर्ट उसको कन्विक्शन उसको भी हो सकता है, इवन जहां तक प्रोविजन का सवाल है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि क्या होगा, क्योंकि अगर मैं शायद एविडेंस खुद देख लूं तो वो तब मैं कुछ शायद देख पाऊं, बट वो भी इंडिविजुअलिस्टिक होगा, क्योंकि वो मेरा एवरी जज हैज गॉट ए डिफरेंट परसेप्शन, एविडेंस को जो होती है वो वही होती है लेकिन उसको परसीव करने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन मेरा मानना यह है कि एविडेंस इतनी फुल प्रूफ आई होगी कॉन्स्पिरेसी के मामले में, क्योंकि उसमें कॉरोबरेटिव एविडेंस होती है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी होती है, प्लस जो भी होती है वो कॉन्स्पिरेसी उसमें वो बहुत सारे उनकी जो बातचीत हुई होगी जो भी होगी वो सब दिया गया होगा, जिसके बेसिस पे मुश्किल है कि वो बच सके, ऐसा मेरा सोचना है, बट आई कांट से कि क्योंकि मैंने जब तक एविडेंस देख रहा हूँ कि क्या पोजीशन है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। विजय जी एक चीज और बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि जब आजीवन कारावास हुआ है, क्योंकि 14 साल से ये 5 जो लोग है वो जेल में है, और ऐसे में जब 14 साल का की सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है, तो मतलब अभी 14 साल जेल में काट चुके हैं, अभी नहीं छूटने का वक्त आ गया? नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये आपको किसने कह दिया? नहीं नहीं ये मतलब पूछ रही हूं मैं आपसे, क्या ऐसा होता है क्या? नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस टिल लाइफ, जब तक लाइफ है तब तक के लिए जी। ठीक है
वो नहीं है कि जितना पीरियड हो, मान लीजिए सुन लीजिए, इसमें एक पॉइंट मैं बता दूं, जिस व्यक्ति को किसी को 5 साल की सजा हुई है या 6 साल की सजा हुई है, ऐसे व्यक्ति को जो पीरियड अंडरगॉन है उसके बेसिस पे भी छोड़ा जा सकता है, या ये भी किया जा सकता है कि वो इतना पीरियड और अगर रहेंगे तो जैसा कोर्ट का ऑर्डर होगा वैसे उसके बेसिस पे हो सकता है। एक चीज और है, जो फाइन होता है, अगर फाइन नहीं पेमेंट किया जाता तो उसके एवज में भी सजा की जाती है, वो तो उसको बाद में ही करनी पड़ती है इन एनी केस, जैसा कि मुझे इसमें दिख रहा है। ठीक है अतुल जी, क्योंकि आतंकवाद का आज हम जिक्र कर रहे हैं और आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए और ऐसे केसेस दोबारा ना आए, कोई आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसे और वो भी अयोध्या जैसी जगह तक आ जाए और उसके बाद अपने नापाक हरकतों को कामयाब कर पाए, ऐसे दोबारा केसेस ना आए, ऐसे दोबारा चीजें ना हो, उसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरे कदम उठा रही है। जैसे कश्मीर का आपने एग्जाम्पल दिया कि पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस इनपुट पास ऑन किया इंडिया को कि इस जगह अटैक होने का डर है, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं कश्मीर में वो वहां से हट करके घटी हैं। आप अगर हिंदुस्तान से अलग हट करके देखें तो बाकी फ्रांस में या यूएसए में तो खैर इधर कुछ भी नहीं हुआ है और फ्रांस में भी रीसेंट पास्ट में नहीं हुआ, तो वो सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज इतनी एक्टिव रहती हैं। जैसे एक एग्जांपल हम आपको यूएसए का दें, आदमी प्लान कर रहा है अटैक और उसको एफबीआई ने उसके ऊपर नजर रखी और एफबीआई उसका साथी बन करके, एक एजेंट एफबीआई का उसके साथ मिल करके पूरे घटनाक्रम कैसे करेंगे, कहां से सामान लेंगे, विस्फोटक लेंगे, ये सारी चीजें वो अरेंज कर रहा है और एफबीआई उसको हर स्टेप पर फॉलो कर रही है, मदद कर रही है एक एजेंट के थ्रू जो डिस्गाइज में है। इवेंचुअली क्या होता है, वो उस घटना को अंजाम दे उससे पहले ही उस एफबीआई के पास इतने सबूत हो जाते हैं कि वो उसको अरेस्ट कर लेती है। ये अभी बहुत रीसेंट इंसिडेंट है वहां का, यूएसए का। तो इस तरह से जब होगा तब हम प्रिवेंटिव स्टेप्स ले पाएंगे टेररिस्ट एक्ट्स के खिलाफ, लेकिन कश्मीर तो बिल्कुल अलग इश्यू है, उसमें पाकिस्तान का इतना इन्वॉल्वमेंट है कि आप उसको कैसे रोकेंगे। दूसरा, बॉर्डर इतना पोरस है कश्मीर वाला कि वो कब कहां से आ जाएंगे। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं टेररिज्म के एक्ट में, स्टेट एक्टर्स की मदद से, तो एक बार आपने मदद करी, आईएसआई ने हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो उसके बाद वो इतना सक्षम है कि बिना उनकी मदद के आपकी सीमा में घुस आते हैं, आतंकी हमला करते हैं और चले जाते हैं। तो अगर आप ऐसे में जो लोकल पॉपुलेशन है उसका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा से ज्यादा जीत सकते हैं, उससे ये चीजें और कम हो सकती हैं। आपका इंटेलिजेंस सर्वेलेंस तो इतना होना चाहिए कि हर वक्त उनके ऊपर नजर रहे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैटर हो, चाहे वो मूवमेंट हो कुछ, ये सारी चीजें जो एक साथ कंबाइंड करके जब एफर्ट्स होते हैं तब फिर ये चीजें। बिल्कुल, लोकल लोगों की यहाँ पर विश्वास जीतना लोकल लोगों का बहुत जरूरी है, वही आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आतंकवादी भारतीय सीमा में घुसपैठ ना कर सके। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह से 2005 में आतंकी हमला अयोध्या में हुआ था, उसके बाद विशेष अदालत ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 1 आरोपी को बरी कर दिया गया है। और ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।